ये हमारे पास वन प्लस 10T प्रो है, ठीक है। इसके अंदर मसला ये है, इसमें जो एफ आर क्यू लगी है उसका एंड्रॉइड वर्जन जो है वो 13 है, ठीक है। किस तरह इसका एफ आर क्यू जो है वो क्लियर होगा मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद जो इसमें जो इन्फो का एक छोटा सा आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद ये नियर बाय इसको ओपन करेंगे, यहाँ से टर्न ऑन करेंगे इसको। टर्न ऑन करने के बाद जो है ये नीड हेल्प शेयरिंग है, इसकी इस चीज़ का वेट, ये पेज खुलेगा, वेट करेंगे, ठीक है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, शेयर आर्टिकल करेंगे, यहाँ से मैसेज पे लेके जाएंगे। यहाँ से हमने जो है न्यू मैसेज करना है, यहाँ पे हमने जो है वो इमरजेंसी नंबर डायल करना है, 112 या 911। तो यहाँ पर जो है हमने इसको जो है इसको काट लेंगे पूरा, और जो यहाँ पर लिखेंगे www.youtube.com, इंटर करेंगे। तो यहाँ से जो इसको पेज खोल लेंगे, यूट्यूब जो हमारा ओपन हो जाएगा, ये ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अलाउ करेंगे इसको। सेटिंग्स इसको खोलेंगे, सेटिंग खोलने के बाद ये अबाउट का ऑप्शन है, अबाउट खोलेंगे। अबाउट खोलने के बाद ये गूगल प्राइवेसी पॉलिसी इसको खोलेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे और नो थैंक्स करेंगे। यहाँ से हमने जो है वो efrp.me ये खोलना है। ये खोलने के बाद जो है वो ये गूगल सर्च ऐप है उसको खोलेंगे। यहाँ पर हमने बोलना है ओपन क्लोन फोन, ओपन क्लोन फोन इसको अलाउ करेंगे। ये जो है दिस इज़ अ न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको अलाउ करेंगे। ये करने के बाद जो है सेकंड ऑप्शन है अदर एंड्रॉयड, ये करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा मोबाइल है उसमें आपको जो है वो प्योन फोन की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। सेम है प्योन फोन की, ये एप्लीकेशन आपको आराम से जो है वो प्ले स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो है इसको स्टार्ट करेंगे। ये जो कैमरे का स्कैन आ रहा है, जो QR कोड है उसको स्कैन करना है। QR कोड स्कैन हो जाएगा इसमें, तो इसका वेट करेंगे, ये कनेक्टिंग करें जब। इसमें से हमने जो है वो सिलेक्ट और सारी हटाने से ऐप्स खोलेंगे। ऐप्स खोलने के बाद यहाँ से हमने कोई भी अपने फ़ोन की एक एप्लीकेशन ट्रांसफ़र कर देंगे इसके अंदर। जैसे हम इसमें जो है वो FRP बाईपास वाली ऐप जो है वो स्टार्ट करेंगे, कोई भी ऐप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे छोटी स्मॉलर ऐप हमारे पास ये है, तो हम इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ से ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया और यहाँ पे 99% है, ठीक है। जैसे ही ये डन हो जाएगा, डन होने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, दूसरे मोबाइल को हटा देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टेप जो है केयरफुल रखना है इसमें, क्योंकि एक बार ऑप्शन इसमें आता है, ठीक है। डन करेंगे, इसको जो बटन के ऊपर करना है, नेक्स्ट करना है, स्किप करेंगे, डन, और यहाँ से फाइनल कर देंगे। कैश वाले कोई बटन हमने जो है वो ट्रांसफ़र होने के बाद दबाना नहीं है, वरना जो ऑप्शन आता नहीं है, सिंपल हमने इसमें इस तरह करना है। तो इस तरह से इसकी जो है पार्टी जो है रिमूव, ठीक है। इसके जितने भी ये जो मॉडल्स हैं नए 13 वाले, ये जो सपोर्ट नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये जो है सक्सेसफुली रिमूव हो गया, ये इन 13 है।